बच्चों चलते हैं हम अगर पार्ट वन की तरफ। यहाँ पे मैं पहला पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्राई दीज का है और फर्स्ट पार्ट है बच्चों। ये ट्राई दीज के मैंने कुछ पार्ट में इसको डिवाइड किया है और ये इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और ये जो एग्जाम होते हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आगे चलकर अगर आप कभी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो उनके अंदर भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन, ठीक है, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है 30 एंड 40 के बीच का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लिखता हूँ 30, ये 30 हो गया और 40 के बीच में हम काउंटिंग लिख लेते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये नंबर और ये नंबर तो आपको लेना नहीं है, अब इनके बीच में आपको बताना परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए बच्चों अगर मैं 5 का निकालता हूं, 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5 = 25, ठीक है बच्चों ये आ गया। और 6 का निकाले, 5 से नेक्स्ट नंबर 6 होता है तो 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6 = 36, ठीक है बच्चों। और उसके बाद 7 का अगर हम निकाले, क्योंकि 6 से नेक्स्ट नंबर 7 होता है तो 7 × 7 = 49, ठीक है बच्चों। अब हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पर 30 है, 30 से कम नंबर 25 आता है, ठीक है, जो इसमें नहीं है। और फिर है लास्ट नंबर 40, जो नंबर 40 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ जो 36 है ये इसमें आता है, ये नंबर आ गया, ठीक है। तो ओनली वन इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40, ठीक है बच्चों। आइए मैं इसको लिख देता हूं, यहां पर देखिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं अब, और यहां पर हम लिख देते हैं, ये आपको लिखना है जो मैंने इरेज किया है तो आप लिख सकते हैं 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40, ठीक है बच्चों ये आ गया, ठीक है। कैसे है वो आपको चाहे तो लिख सकते हैं इसके नीचे, ठीक है बच्चों। आइए अब देखिए इसमें लिखा है 50 एंड 60, आप 50 एंड 60 के बीच में भी काउंटिंग लिख लेते हैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60, आपको ये नंबर तो लेने नहीं है, ठीक है बच्चों। इनके बीच में अब देखिए यहां पर हमने 7 का निकाला था तो 7 का स्क्वायर था 7 × 7 = 49, ठीक है बच्चों 49 आता था। अब 7 से नेक्स्ट नेचुरल नंबर होता है 8, तो 8 का स्क्वायर अगर हम निकाले तो 8 × 8, ठीक है बच्चों आता है 64। अब देखिए ये तो 60 से ज्यादा आ गया, ग्रेटर नंबर आ गया, और ये 50 से कम है यहाँ पर, तो इसका मतलब 7 और 8 के बीच में कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 50 और 60 के बीच के जितने भी काउंटिंग होती हैं उनमें वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो बच्चों कोई नहीं आ रहा ना, ना 51 से लेके यहाँ तक कोई नहीं है, इससे नेक्स्ट है 64 पर 8 का स्क्वायर और 50 से पहले 7 का, तो लिख देते हैं यहाँ पर देयर इज नो एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60, ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों ये था एक छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें और इसमें से सीखकर आप सभी दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं, मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।